अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज चलते हैं हम अपने फर्स्ट व्लॉग की तरफ और आज हम आपको विज़िट करवाएंगे इस्लामाबाद में B17 मल्टी ज़ू। आप ये जैसे देख रहे हैं मल्टी ज़ू बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक वेल प्लान्ड यहाँ पर इन्होंने एक ज़ू बनाया है। तो चले आज मैं अपनी फैमिली को भी विज़िट करवाती हूँ और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली के साथ साथ आप भी यहाँ पर मल्टी ज़ू का विज़िट कीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत से खूबसूरत बर्ड्स और यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स। तो व्यू तो आपके सामने है, मौसम बहुत ही खुशगवार था, बेहतरीन सा मौसम, बादलों से ढका आसमान और सर्द हवा, ज़बरदस्त मौसम के साथ आज हम चलते हैं आपको और अपनी फैमिली को इंजॉय करवाने के लिए। तो देंगे आप मेरा साथ? तो चलें आए हम पूरा व्लॉग देखते हैं। एंटर होने के बाद यहाँ पर कुछ टिकट्स होती हैं, एंट्री टिकट है, उसके बाद बच्चों के लिए राइड्स की टिकट्स हैं, वो भी आप परचेज करके जब अंदर एंटर होते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सा समा बंधा हुआ होता है इन सारे खूबसूरत जानवरों का। बहुत ही वेल प्लान्ड किस्म से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज है। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्लॉग थोड़ा सा मेरा लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन ये कि आपको पूरे तरीके से हर चीज़ दिखाने का मकसद है। इन जानवरों की ज़बरदस्त किस्म की अटकेलियाँ, और अब मैं यहाँ कम बोलूँगी, आप पीछे के जो आवाज़ है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट था, उसमें जो सराउंडिंग्स में जितनी खूबसूरत आवाज़ थी, आप उसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत परिंदे और बहुत प्यारी जैसा हाहर थी उनकी। यकीनन मेरे साथ साथ आप भी इनकी खूबसूरत आवाज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। कोशिश मैंने की है कि मैं एक मुख्तसर व्लॉग बनाऊं लेकिन जितना कुछ था आपको प्रॉपरली दिखाने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से ये सारे जो केज बने हुए थे, जो बर्ड्स थे, वो बहुत खूबसूरत थे। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर हर केज के बाहर जो भी बर्ड है या एनिमल है, उसकी हैबिटेट भी मेंशन थी, उसकी एज टाइम पीरियड भी मेंशन था कि क्या उनकी टाइम पीरियड है, एज टाइम पीरियड क्या होता है उनका, पूरी डिटेल, उनकी फीड, उनके फैक्ट्स, लाइफ स्पैन, हर चीज़ यहाँ पर डिटेल के साथ मेंशन थी। एक बहुत ही मशहूर कुल आवाज़ इनकी पूरा एक समा बांधे हुए थी। यहाँ पे हमने वाइट टाइगर भी देखा। आप ढूंढने के यहाँ पे वाइट टाइगर नज़र आ रहा है आपको? वाइट टाइगर साहब धूप फेंक रहे थे, उनका मूड सामने आने का था नहीं, बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें ढूंढा। ये लें जी जनाब, थोड़े से साइड पर हुए हैं तो हम इनके कवरेज देते हैं ज़रा। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे सारे एनिमल्स इतने खूबसूरत थे और बाकायदा यूँ लग रहा था जैसे प्रॉपर सेल्फ ट्रेंड हों, ये मतलब सेल्फ़ी के लिए भी ट्रेंड हों, कैमरे के लिए भी, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म से जैसे जानवर अपने अपने पोज दिखा रहे हों। बहुत खूबसूरत जानवर, और वो तमाम जानवर जो आपने बाकी किसी ज़ू में नहीं देखे होंगे वो आपको यहाँ मल्टी ज़ू में ज़रूर मिल जाएंगे। वाइट टाइगर देखा आपने, कितना खूबसूरत है ना? वाइट लाइन भी थे लेकिन उनका भी मूड कुछ ख़राब था, वो सामने नहीं आए। यकीनन ढूंढ लिया होगा आपने, हमने भी ऐसे ही ढूंढा था। राहदारियाँ, रास्ते इतने खूबसूरत, इतना खूबसूरत समा बंधा हुआ था कि बहुत ही लुत्फ़ानंदोज़ हुए हम सब। और वही सब कुछ दिखाने के लिए आपको भी आज ये व्लॉग बनाने का मकसद था। एलिफेंट की फैमिली देखी आपने? ओहो, ये स्टैच्यू है, इट्स नॉट ओरिजिनल। पोनी हॉर्स। अच्छा, यहाँ मज़े की बात बताऊँ, बच्चों के इन्जॉयमेंट के लिए बहुत कुछ था।
एंट्रेंस पे उन्होंने प्रॉपरली डिस्टिंग्विश किया हुआ था कि आपने कौन सी राइड्स लेनी है और कौन कौन सी नहीं लेनी, आप उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को राइड्स दिलवा सकते हैं। यहाँ पे कार राइड थी, पोनी राइड थी, जंपिंग कैसल था, बर्ड्स के साथ आप पिक्चर्स ले सकते थे। उन सब की टिकट्स एंट्री के टाइम पर ही किड्स एंटरटेनमेंट के लिए उसमें इंक्लूड कर दी गई थी। बहुत ही प्यारा ये ज़ेब्रा हमने देखा। ये प्यारे से पैरट्स और इनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत थी। ये देखें जी, यहाँ हमने देखा लामा। कभी आपने किसी ज़ू में देखा है? यहाँ वेल प्लान्ड है ना, इसीलिए आपको ये लामा यहाँ मिलेगा। सोचा आपको भी दिखाएं। आपको कैसा लगा ये? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, उन्होंने खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कुछ जानवरों के स्टैचूज भी रखे हुए हैं और कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे एनवायरनमेंट भी है। इतने खूबसूरत हमने रैबिट्स देखे यहाँ पे। ये रैबिट्स देख के दिल चाह रहा था कि इन्हें पकड़ लें। ये देखें कितने प्यारे हैं ना। मुन्ने मुन्ने से रैबिट्स इधर उधर अटकेलियाँ करते, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ऐसे जैसे ये देखें, ये बनी है ना। अब यहाँ हम आगे जी पैरट्स देखने, बर्ड्स, पेजेंट्स, पैरट्स, मकाओ, बहुत ज़बरदस्त। अब यहाँ पे आप इनकी सिर्फ आवाज़ सुने, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी इनकी। Amazon parrot। अभी आपको यहाँ आगे मकाऊ भी दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे परिंदे। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। ये देखें कितने खूबसूरत है ना, रेड कलर इनका सही ब्राइट कलर। कुदरत के हसीन नज़ारों में से ये एक नज़ारा है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत परिंदे थे ये लव बर्ड्स। ये देखें अल्लाह ताला ने ऐसे जैसे सारे रंग इनमें ही भर दिए हैं, बेहतरीन रंग, बहुत खूबसूरत। चलें जी अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ पर इन्होंने बर्ड्स ओपन रखे हुए हैं। यहाँ पे पीकॉक्स हैं, सुरखाब आपको मिल जाएगा, बहुत खूबसूरत हैं। बस अब पीछे से मैं वॉइस जो है वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ कि आपको कुछ चीज़ें बता भी दूँ, और बैक वाला जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, बैकग्राउंड वॉइसेस हैं, मैं वो बंद नहीं करी ताकि आपको यहाँ पर प्रॉपरली इनकी आवाज़ आ जाए, आपको पता चले कि ये कितना खूबसूरत बोल रहे थे। बेहद हसीन सफ़ेद हम लोगों ने यहाँ पे पीकॉक्स देखे, मल्टी कलर में देखे, बहुत प्यारे थे ये देखे। और यहाँ पे इनके लिए फीड भी दी जाती है ताकि बच्चे आएँ या आप अपनी फैमिली के साथ आएँ तो आप इन्हें खिला पिला भी सकें। यकीनन आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आपको बहुत अच्छा ये ब्लॉग लग रहा होगा। ये देखें कैमरा शायद आपको ये खूबसूरती इतने अच्छे से दिखा ना पाए जितनी खूबसूरती यहाँ पर जाकर आप महसूस करेंगे। तो जब भी आप इस्लामाबाद आएँ आप यहाँ का ज़रूर विज़िट करें ताकि आपको भी ये बहुत खूबसूरत ज़ू जो है आप भी अपने बच्चों को दिखा सकें। कुदरत की खूबसूरती को मज़ीद उजागर करने के लिए ये प्री प्लान्ड मल्टी ज़ू बनाया गया है। और अभी यहाँ मैं आपको एक और बहुत खूबसूरत चीज़ दिखाऊंगी। कितनी खूबसूरत डक्स है ना। आपको इनकी आवाज आ रही होगी। चलते चलते हमने यहाँ पर एक सुरखाब भी देखा, आपको भी दिखाते हैं। कहते हैं ना आपको कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, वो सुरखाब आज आपको दिखाते हैं कि वाकई वो कितना खूबसूरत परिंदा है और उसके पर कितने ही खूबसूरत हैं।
बाकी किसी मोर का मूड नहीं था अपने पर खोल के दिखाने का, बस ये एक ही थे जो सेल्फी उतरवाने के लिए बड़े सुकून से मटक मटक के कभी इधर घूम रहे थे और कभी उधर। और जब इनके पास कोई और परिंदा आता तो ये बकायदा वाइब्रेट करते थे इनके विंग्स। ये देखें जी, ये आ गया है सुरखाब, इसे कहते हैं सुरखाब। देखें कितने खूबसूरत रंग है इसमें। बहुत ही प्यारा परिंदा, बहुत ही जबरदस्त। बहुत कोशिश की कि छोटा व्लॉग बनाया जाए, शायद आप बोर ना हो जाए, लेकिन इतना कुछ था दिखाने के लिए तो सोचा कि आपको प्रॉपरली हर चीज अच्छे से दिखाई जा सके। सफेद मोर आपने देखे हैं, यहाँ पर फैमिलीज अपने बच्चों के साथ आई हुई बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, अपने बच्चों को हर चीज दिखा रहे थे और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था। मौसम बहुत खुशगवार था और सब ने बहुत एंजॉय किया, यकीनन आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। मोर को खाना भी खिलाया और बहुत मज़े किए। आगे बढ़ते हैं तो हम बाहर आ गए और उसके बाद अब हम थोड़े से एनिमल्स देखेंगे। यहाँ पर टाइगर देखेंगे और उसके बाद फिर हम आपको लेकर जाएंगे जुरासिक पार्क। यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटी बहुत है। टाइगर साहब भी अटकेलियों के मूड में थे, अटकेलियां करते आगे बढ़ते आ रहे थे। आपको ये टाइगर कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत खूबसूरत लगा। अभी इसकी कैटवॉक भी आपको दिखाते हैं। चाल ढाल से तो बहुत नवाबी लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये खेलते हुए नजर आ रहे थे। हमने तो बहुत एंजॉय किया। आपको व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चे भी देखकर बहुत खुश हो रहे थे। आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें मंकी नजर आ गया। वर्वेट मंकी कहते हैं इसको। बहुत ही जबरदस्त प्यारे प्यारे से छोटे से इनके बेबीज भी इनके साथ थे। अपनी फैमिली के साथ ये भी अटकेलियां करते हुए कभी इधर और कभी उधर घूम रहे थे। ये देखें जी कितना प्यारा डियर है। ऑप्टिक टर्व आपने देखी, यहाँ पे इनकी आईज बिल्कुल रेड होती हैं। शायद कैमरा यहाँ पर कवर अप ना कर पाए, लेकिन जब आप खुद जाएंगे तो जरूर देखिएगा। अब हम एंटर होने जा रहे हैं यहाँ से जी जुरासिक पार्क। इसी के अंदर एक सेगमेंट इन्होंने बनाया हुआ एक कॉर्नर है जहाँ पे बच्चों के लिए जंपिंग कैसल रखा गया है और आप वहाँ पर बर्ड्स के साथ पिक्चर्स भी उतरवा सकते हैं। तो ये हम एंटर होने जा रहे हैं। ये अब आप देखिएगा, यहाँ उन्होंने बाहर एक डायनासोर का स्टैचू बनाया है जो वाइब्रेट भी करता है और इसमें म्यूजिक भी आता है। यहाँ पर भी टिकट है, अगर आपने एंट्री के टाइम पर टिकट बच्चों के लिए ले ली है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ अंदर आकर भी टिकट ले सकते हैं। फैमिलीज अपने बच्चों के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी, घूम रहे थे और बच्चे भी बहुत लुत्फंदोज हो रहे थे। अगर आपने डाइनो वैली का विजिट किया है तो ठीक, अदरवाइज ही आपको यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा डायनासोर भी मिलेगा। और यहाँ बच्चे जो थे बर्ड्स अपनी बाजू पे बिठाकर बहुत खुश हो रहे थे। सब ने यहाँ पे बर्ड्स बिठाए अपनी बाजू पे, अपने बच्चों को दिखाए और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। ये एक बच्ची अपने बाबा के साथ घूमने आई है और वो भी बर्ड को प्यार करने लगी है, डर भी रही है लेकिन एंजॉय भी कर रही है।
हर बच्चे ने यहाँ पे बर्ड को अपनी बाजू पर बिठाकर खूब इंजॉय किया। अब यहाँ से ये जाएंगे फिश को खाना खिलाने। फीड उन्होंने हमें पहले ही दे दी थी, हमारी टिकट में इंक्लूड थी और हमने जाकर यहाँ पे फिश को खाना डाला। आप देखिएगा कितनी सारी फिशेज और कितने प्यारे तरीके से वो आती हैं। यहाँ पे बताती चलूँ, यहाँ पे एक पांडा कैफ़े भी है जहाँ पे अगर आपके बच्चों को भूख लग जाए या आपको भूख लग जाए तो यहाँ पे इनका एक अच्छा मेन्यू है। मतलब जैसे आउटिंग एरिया में खाना आपको मिल जाता है उसी हिसाब से, बस ठीक है, रीज़नेबल है, लेकिन टेस्ट वाइज कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, लेकिन ठीक है, आप खा सकते हैं। यहाँ पे आपको जिंगर, बर्गर्स, चिप्स, फ्राइज, जो भी आप लेना चाहें, वाटर बॉटल है या ड्रिंक्स हैं, वो आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। अपना खाना तो हमने खा लिया, अब हम यहाँ पर आए हैं फिश को खाना खिलाने। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ना, और सब मुंह खोले अपना खाना खाने आ रही हैं। ये मंजर देखने से ताल्लुक रखता था, बहुत खूबसूरत और हसीन। फाउंटेन की अलग आवाज़, पानी की अलग आवाज़, अपने हिसाब से बहुत खूबसूरती के मनाजिर, ये सारा समा बंधा हुआ था कि वापस आने का दिल ही नहीं किया। यहाँ पे अब बच्चों ने सोचा कि क्यों ना हम पोनी राइड ले लें। ये भी हमारे पैकेज में इंक्लूड थी जो हमने स्टार्टिंग पे एंट्री टिकट के साथ किड्स एंटरटेनमेंट के लिए हमने टिकट्स परचेज की थी। पोनी राइड के लिए सब बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैठे। और ये क्या, ये अभी पोनी जो है क्या करेगा देखेंगे आप। ये देखिए जी, उसको भी अटकेलियाँ सूझ रही हैं। बच्चा हमारा घबरा गया थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, इंजॉय ज़रूर करेंगे। इनके पाँव की आवाज़ कितनी खूबसूरत लग रही है ना। सब बच्चे बहुत मज़े से घूमते हुए आगे और एक एक राउंड लिया और उसके बाद ये लोग वापस आ गए। आप भी जब भी आएँ आप ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ का विज़िट करवाइएगा, आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप ही रुको थोड़ा। और यहाँ जंपिंग कैसल की तो बात ही अलग है, सारी राइड सब कुछ एक तरफ और बच्चों की जंपिंग एक तरफ। तो यकीनन आपको आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा आपने एंजॉय किया होगा और बच्चों की शरारतें भी आपने खूब देखी होंगी। अगर आपको मज़ा आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जब भी आप अपनी फैमिली को लेकर आए तो आप भी अपनी इसी तरीके से वीडियो बनाएं ताकि आप भी इसको अच्छी मेमोरीज को अपने पास सेव कर सकें। बच्चों के स्टंट्स, बच्चों की खेलें, शरारतें, सब बहुत ज़्यादा मेमोरेबल टाइम रहता है। आप भी पिक्चर्स में उसको ज़रूर सेव रखिएगा, जैसे कि हमने अपने ब्लॉग में इन सारी चीज़ों को सेव कर लिया है। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ढेर ज़्यादा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।